अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं नाइला आपके लिए आज मैं वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, जिसको धो के नमक लगा के रख दिया था, फिर वॉश कर लिया। टमाटर चाहिए थोड़ा सा, मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, दही 1/2 पाव, और 3 बड़े साइज़ के प्याज, और अल्पस की क्रीम, और ये पानी इसको पकाने के लिए। तो कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे हसबे ज़रूरत, जितना आपको चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल में पकती है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। प्याज वाश करके इसमें डाल देंगे, हला लेंगे इसको अच्छी तरह। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चिकन को अच्छी तरह वॉश किया हुआ था, तो इसमें डाल देंगे हम फ्राई होने के लिए। अगर चिकन को फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा बनता है और गोश्त नरम हो जाता है। वैसे चिकन अच्छा नहीं बनता फ्राई के बगैर, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से। तो चिकन हमारा इधर फ्राई हो रहा है, तो तकरीबन 1/2 फ्राई हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, इसको इसके साथ ऐड करना चाहिए, तो ये भी साथ फ्राई हो जाता है। तो इसको हला लेंगे अच्छी तरह। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो साथ इसको टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर इसलिए कम लिया है क्योंकि इसकी इसमें रेडनेस आ जाएगी, तो जो हमें नहीं चाहिए, बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा हाफ टमाटर हमने ऐड किया है। मिर्चें डालेंगे इसके 2 खाने के चम्मच, और ये 4-5 मिर्चें अच्छी तरह भून लेंगे इसको, मिर्चों को हलाते जाएं बराबर इसको। भून रही हैं हमारी मिर्चें, तो इसमें मेन चीज़ है वो वाइट मिर्च है, तो 1.5 खाने का चम्मच वो डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 2 खाने के चम्मच, अगर उससे भी ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो 3 खाने के चम्मच, क्योंकि इनकी ज़्यादा कड़वाहट नहीं होती, ब्लैक मिर्च के मुकाबले में इसकी कम होती है थोड़ी। तो अब इसमें हम दही ऐड करेंगे 1/2 पाव। अगर आप लोग ज़्यादा क्रीमी चाहते हैं तो सिर्फ क्रीम ही डाल सकते हैं, तो ये हमें ज़्यादा क्रीमी पसंद नहीं है, इसलिए हम थोड़ा दही, और दही का ध्यान रखना है कि खट्टा ना हो, खट्टे जो खट्टा दही होता है उससे अच्छा टेस्ट नहीं होता। तो इसमें क्रीम ऐड करेंगे, ऑलपस का 1 पैक 1 kg में, तो इसको अच्छी तरह निकाल लें। रिज़्क कभी भी ज़ाया ना करें, ये अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो इसको भून लेंगे अच्छी तरह दोनों चीज़ों को। ये तकरीबन भून रही है हमारी, ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। जब ऑयल निकल जाए, अगर मिर्च भून रहे हैं तो उसमें से भी, अगर कोई गोश्त भून रहे हैं उसमें से भी, तो वो चीज़ तैयार हो जाती है। ये मसाले हैं हमारे। मैं हमेशा आपको सिंपल रेसिपी बताती हूँ, जिसको बनाना आसान होता है और चीज़ें भी हर किचन में अवेलेबल होती हैं वो। तो ये हमारा सालन हो गया है तैयार। तो नमक, तो सॉरी, ये धनिया डाल देंगे ऊपर, तो एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल देंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया वाइट कढ़ाई। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।